ट्रेन रद्द किए गए हैं वो हम आपको बता दें, 12,368 जो ट्रेन है आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला 3:30 मिनट जो है वो लेट चल रही है। वहीं आपको बता दें कि 13,134 वाराणसी सियालदह अपर एंट्री एक्सप्रेस रद्द की गई है। वहीं पे 13,402 दानापुर भागलपुर इंटरसिटी रद्द की गई है। 18,621 पटना हटिया पाटलिपुत्र एक्सप्रेस रद्द की गई है। वहीं पर 15,714 और 15,713 पटना कटिहार इंटरसिटी रद्द की गई और 13,132 पटना कोलकाता एक्सप्रेस रद्द की गई। वहीं पर 15,126 पटना काशी जनशताब्दी भी रद्द की गई है और 13,401 भागलपुर दानापुर इंटरसिटी रद्द की गई है। 13,119 सियालदह आनंद विहार अपर इंडिया रद्द की गई है। 15,550 पटना मुजफ्फरपुर जयनगर इंटरसिटी रद्द की गई है। वहीं पे 53,212 पटना आरा सासाराम सवारी गाड़ी रद्द की गई है। 15,125 काशी पटना जनशताब्दी रद्द की गई। 12,567 सहरसा पटना राजधानी रद्द की गई है और 53,232 दानापुर राजगीर तिलैया पैसेंजर भी रद्द की गई है। बिहार सरकार की आगरा मंजूर की जाए वायुसेना का 2 चौपर राहत बचाव में मदद करेगी। चौपर से 11 बजे से राहत बचाव कार्य शुरू होगा। पटना के राजेंद्र नगर कंकरबाग सहित कई इलाके में जलमग्न है। तो आपको बता दें कि अररिया के फारबिसगंज में भी हालात बिगड़े हैं और बिहार सरकार के आग्रह को मंजूर किया गया है। वायुसेना का 2 चौपर राहत बचाव कार्य के लिए दिया गया है। आपको बता दें कि जिन इलाकों में जलमग्न है और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मरगुब। जिस प्रकार से सीएम ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई थी और बिहार सरकार की आग्रह को मंजूर किया गया है, वायुसेना को 2 चौपर राहत के लिए दिया गया है। फिलहाल अगर हम बात कर लें पटना के तमाम इलाकों की, खासकर राजेंद्र नगर की, वहां क्या कुछ स्थिति है और इस जो आग्रह को मंजूर किया गया है उससे कितना राहत मिलेगा लोगों को? देखिए, निश्चित तौर पर कल देर रात से मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत थे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव थे और जो हालात बने हैं पूरे बिहार में, खास करके पटना का जो इलाका उस इलाके में, तो यह महसूस किया गया कि अब वो हालात नहीं है कि आप एनडीआरएफ के द्वारा रेस्क्यू करने के बाद सभी लोगों को आप किसी स्थान पर रख करके वहां राहत सहायता दें। तो फिलहाल इस पूरे मामले में एक तमाम संदेश भेजा गया था भारत सरकार को और एक संदेश के बाद अभी जो मेरे पास खबरें आ रही हैं आपदा प्रबंधन विभाग के अपने सूत्रों से, वो ये है कि 11 बजे दिन में इंडियन एयरफोर्स का 2 चौपर लैंड करेगा पटना में। वहां अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग होगी, उसके बाद वहीं से इन लोगों को राहत सामग्री लेकर के ड्रॉपिंग की व्यवस्था की जाएगी। तो अभी बड़ी खबर और राहत, निश्चित तौर पर राहत दोनों तरफ से, इसलिए राहत दोनों तरफ से शाहीबाजी की, पहला इंद्र भगवान ने, इंद्र देवता ने निश्चित तौर पर मेहरबानी की है पूरे बिहार पर, खास करके पटना पर, कि कल देर रात के बाद से पानी बारिश बंद है और फिलहाल 2 चौपर आने का निश्चित तौर पर इनके द्वारा जो कार्य किए जाएंगे उससे आपदा में फंसे लोगों को बहुत ही ज्यादा सहायता मिलेगी। तो कहीं ना कहीं बड़ी खबर 11 बजे 2 चौपर आ रहा है, आने के बाद फिर इनका राहत कार्य में कर सकते हैं कि लगाया जाएगा और बिल्कुल ये लगातार राहत कार्य चलेगा। और फिलहाल इन सभी के बारे में पटना के डीएम लगातार पूरे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, फूड पैकेट बनाए जा रहे हैं चौपर में डालने के लिए और ये सभी काम पटना के एसके मेमोरियल हॉल में किया जा रहा है। जी मरगु, जिस प्रकार से आप लगातार राजेंद्र नगर के इलाकों का जायजा ले रहे हैं, तो आज की अगर बात कर लें हम, किस तरह की स्थिति है वहां पे? जिस प्रकार से 2 दिन तक वहां एनडीआरएफ और एसटीएफ की टीम लगी हुई थी, लोगों को रेस्क्यू कराया जा रहा था, घर से बाहर निकाला जा रहा था, अभी क्या कुछ स्थिति है खासकर उन इलाकों की जहाँ निचला इलाका और पानी काफी ज्यादा है वहाँ? देखिए साहिबा जी, हमसे जो अभी 10 मिनट पहले वहां के कुछ लोगों से बातचीत हुई है, जिन लोगों को हमने रेस्क्यू किया था, जिनके लोग फंसे हुए हैं जी, उनसे बात, उनका कहना है कि पानी छूटने के बावजूद, बारिश नहीं हो रही उसके बावजूद पानी नहीं निकल पा रहा है। अब ये अपने आप में बड़ा गंभीर समस्या है। अगर पानी छूटने के बावजूद भी पानी नहीं निकल रहा उन इलाकों में, तो स्थिति गंभीर वैसा ही है जैसे थी पहले। तो निश्चित तौर पर आप थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा 1-2-4 घंटा दिन भर की क्या स्थिति हो पाती है, पानी निकल पाती है नहीं हो पाती है। लेकिन लगातार सम्प हाउस के द्वारा पानी निकाले जाने का प्रयास किया जा रहा है 2 दिनों से, लेकिन अब पानी रुक गया है तो संभावना है कि देर शाम तक पानी घटना शुरू होगा। अगर इंद्र देवता मेहरबान नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर देर शाम के बाद थोड़ी सी स्थिति संभल सकती है और अगर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अगर राहत कार्य में लगाया जाएगा तो निश्चित तौर पर स्थिति और भी इम्प्रूव होने की संभावना है। जी, तो कह सकते हैं मरगु भी एक राहत की खबर जो, हाँ, लोगों को अब थोड़ी सी राहत मिल सकती है इस खबर के बाद। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।
अपने 3